तो रुको जरा, सबर करो भाई। कौन बोले एंजेलिक पैंट इंडिया सर्वर में नहीं है? ये देखो एंजेलिक पैंट एकदम साफ भाई, बॉट पहन के घूम रहा है। देखो इंडिया सर्वर में बॉट पहन के घूम रहा है एंजेलिक पैंट। भाई कौन बोला था भाई एंजेलिक पैंट इंडिया सर्वर में नहीं है? भाई नाम बताओ उसका भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि जो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक स्ट्रीमर हर एक यूट्यूबर के चैट में चल रहा है, और वो है जस्टिस फॉर इंडिया सर्वर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। सो भाई जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि ये जस्टिस फॉर इंडिया सर्वर हो क्यों रहा है। तो ये हो इसलिए रहा है क्योंकि जो इंडिया में टॉपअप का रेट है वो बहुत ज़्यादा, लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, और इंडिया में जो अच्छे इवेंट्स नहीं आते हैं, इंडिया में बहुत ही ख़राब इवेंट्स आते हैं, इंडिया में कोई एकदम रेयर चीज़ नहीं आता, तो इसीलिए ये जो जस्टिस फॉर इंडिया सर्वर ये हो रहा है। और जो ऑडियंस है वो हर जगह जस्टिस फॉर इंडिया सर्वर स्पैम कर रही है। अब हम बात करते हैं कि जस्टिस फॉर इंडिया सर्वर करने से क्या हमारे जो सर्वर में जो इवेंट्स नहीं आते वो क्या फिर से आने लगेंगे? तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने देखा है पिछले पास्ट टाइम में भी ऐसा बहुत सारा चीज़ हुआ था। तो आप देखते होंगे जो ऑडियंस है वो स्पैम कहाँ पर करती है, तो आप लोग ने देखा होगा, गौर किया होगा कि वो जाके ई स्पोर्ट्स चैनल जो गरीना फ्री फायर का है वहाँ पर स्पैम कर रहे हैं जस्टिस फॉर इंडिया सर्वर। तो आप ही बताओ यार, ई स्पोर्ट चैनल पे कौन जाके स्पैम करता है? हाँ आप जाओ, अगर प्ले स्टोर पे जाना है, रेटिंग गिराओ, कुछ भी करो, वहाँ पर फीडबैक दो, लेकिन अगर आप ई स्पोर्ट चैनल पे ये सब कर रहे हैं तो ये बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि ई स्पोर्ट एक अलग चीज़ है और जो आपका गेम का इवेंट है वो अलग चीज़ है, तो आपको जाके कहीं और बोलना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आप किसी पार्टनर प्रोग्राम के यूट्यूबर पे स्पैम कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी मतलब जो पार्टनर प्रोग्राम में नहीं है, जो छोटा यूट्यूबर है या बड़ा भी यूट्यूबर, बहुत लोग नहीं है पार्टनर प्रोग्राम में, उनके पास जाके कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि देखो वो पार्टनर प्रोग्राम में नहीं है, उनको कुछ नहीं पता, तो आप उनके पास जाके स्पैम कर रहे हो, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो वो आते हैं इवेंट आते हैं इंडिया सर्वर में, वो इंडिया के बंदे नहीं डिसाइड करते, वो सिंगापुर से डिसाइडेड आते हैं, तो ये यहाँ के जो इम्प्लॉयज़ हैं वो कुछ नहीं कर सकते इवेंट्स में। और लोग ब्राज़ील सर्वर को इंडिया सर्वर से कंपेयर करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर इवेंट्स ब्राज़ील में इवेंट्स अच्छे आते हैं और इंडिया में इवेंट्स बेकार आते हैं, तो उनको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप जानते होंगे, वैसे अगर आप नहीं जानते होंगे तो बता देता हूँ कि जो ब्राज़ील में गन स्किन है, गन स्किन का एट्रीब्यूट नहीं है। तो भाई ये बहुत ही मतलब अलग चीज़ हो जाती है कि वहाँ पर गन स्किन का एट्रीब्यूट ही नहीं है, और हर सर्वर में गन स्किन का एट्रीब्यूट है, तो वहाँ पर गन स्किन का एट्रीब्यूट नहीं है, तो बंदे लोग गन स्किन ज़्यादा खरीदते नहीं, क्योंकि खरीदने का कोई फ़ायदा भी नहीं। तो गरीना वालों को मजबूरन वहाँ पर अच्छे अच्छे इवेंट्स लाने होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अच्छे इवेंट्स कोई मतलब कपड़े उपड़े पे ध्यान नहीं देता, वहाँ पर लोग स्किल पे ध्यान देते हैं ब्राज़ील में, और वहाँ के बंदे इवेंट्स में से कुछ नहीं लेते और बहुत कम लोग ही लेते हैं, तो इसी कारण से गरीना को वहाँ पर एकदम अच्छे अच्छे इवेंट्स देने होते हैं ताकि वहाँ पर बंदे कुछ खरीदें, ताकि गरीना फ्री फायर का भी कुछ कमाई हो सके, तो इसीलिए गरीना फ्री फायर को वहां पर एकदम अच्छे अच्छे इवेंट्स देने होते हैं। तो इस समय कुछ ऐसा सीन हुआ है कि ब्राजील के सर्वर में एंजेलिक पैंट जो यहां पर बहुत ही ज्यादा हाइप कर दिया गया है, एंजेलिक पैंट को गोल्ड रॉयल में दिया गया है, तो उसी से कुछ बंदे ऑफेंड हो गए हैं, बोल रहे हैं कि एंजेलिक पैंट वहां पर गोल्ड रॉयल में दिया जा रहा है, हमारे यहां अभी तक एंजेलिक पैंट आया है नहीं, ये वो ब्राजील में गोल्ड रॉयल में आ गया। तो ऐसी बात नहीं है भाई, देखो वहां पर गन स्किन का एट्रीब्यूट नहीं है और वहां पर बंदे लोग इवेंट पे उतना ध्यान नहीं देते और वहां पर कुछ परचेज नहीं करते, तो बात आई कि वहां पर गोल्ड रॉयल में आया एंजेलिक पैंट, तो देखो अगर वो गोल्ड रॉयल में आया है तो देखो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे आइटम है, गन स्किन है और कपड़े हैं जो वहां पर कभी नहीं आए हैं, तो ये भी बात आप देखो, वो जो डिसाइडेड होता है वो सिंगापुर से पहले से डिसाइडेड होता है। और एक बार का मान लो कि आपके इंडिया सर्वर में भी एंजेलिक पैंट आ गया, लेकिन अगर एंजेलिक पैंट आ जाएगा क्या आपको लगता है कि वो रेयर रहेगा? हर बच्चे के पास एंजेलिक पैंट होगा, जो भी होगा उसके पास, हर एक आदमी के पास एंजेलिक पैंट होगा, तो आने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सबके पास एंजेलिक पैंट हो जाएगा तो आपके लेने का फ़ायदा कुछ नहीं है, लेकिन जब एंजेलिक पैंट आएगा ना तो आप 5000 डायमंड भी बर्बाद करने के लिए तैयार रहोगे, और बर्बाद करने पे आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो पैंट रेयर रहेगा ही नहीं, और वो लुक वाइज भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत लोग को अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, सबकी अलग अलग चॉइस है, लेकिन अगर एंजेलिक पैंट आ भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो सबके पास हो जाएगा। तो भाई ये तो टट्टी है,
उन यूट्यूबर के लिए मेरा मैसेज है जो कहते हैं कि मैं एकदम पूरा देश के लिए लड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो भाई आप सुन लो थोड़ा सा। भाई देखो, वो भी एक यूट्यूबर है और आप भी एक यूट्यूबर हो, और आपको पता है कि मतलब जब कोई आपके चैट में कुछ ऐसा तैसा लिखता है तो आपको कैसा लगता है? तो भाई समझा करो यार, वो भी यूट्यूबर है, उसकी भी प्रॉब्लम समझा करो, ठीक है भाई? सबके यहाँ स्पैम मत कराओ, ठीक है? अगर आपको कराना है तो प्ले स्टोर पे जाओ, एकदम खुला है भाई, पूरा एकदम खुला, रेटिंग वोटिंग गिराओ, लेकिन यूट्यूबर्स को मतलब परेशान करना बंद करो, ठीक है? बंद करो। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सो भाई लोग, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई, और लाइक नहीं भी करोगे तो घंटा नहीं फर्क पड़ता हमको, डिसलाइक करना है डिसलाइक कर दो, क्योंकि मेरी बातें बहुत लोग को बुरा लगेंगे। तो भाई कोई बात नहीं, अगर आपको बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।